अरे आजा उधर, क्यों कोने में खड़े हो यार, यहाँ अपना ही समझो, थोड़ा टच करके देखो कैसा चल रहा है। हाँ सही आ रहा है, एकदम क्लीन आ रहा है एकदम। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी भाई साहब को देख लो, क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। अजय कुमार। अजय कुमार आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आप आए हैं, और ये चीज पूछना बताना चाहूंगा, कितने दिन से आप मेरे घर को खोज रहे हैं? मतलब ये बिहार से कोलकाता पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आप आए हो ना, ये दो दिन से आए हुए और दो दिन से मेरे घर को खोज रहे हैं। कहाँ कहाँ खोजने के लिए गए? पूरा हावड़ा हमको लगता है खोज रहे हैं। हावड़ा खोजे है, उसके बाद मध्यम ग्राम खोजे है, फिर उसके बाद जब मछली मार्केट से उधर घूम फिर करके, मतलब समझ सकते हो इस ठंडी में बिहार से, बिहार में तो कड़ाके की ठंडी है, ट्रेन सफर करके आए हुए हैं और ये पूरा हावड़ा मुझे खोजे हैं पूरा, इसके बाद खोजते खोजते दिखाते दिखाते यहाँ तक मेरे घर तक पहुंचे हुए। और अभी आप देख सकते हो कि मैं ये डिजिटल बोर्ड लगवा रहा हूँ, अंकल भी आए हुए हैं रांची से। आप आए अंकल ना, देख लीजिए रांची से आए हैं। अभी मैं अपना डिजिटल बोर्ड लगवा रहा हूँ, देख रहा हूँ पूरा सामान एकदम कबाड़ बिखरा हुआ है, कबाड़ पूरा तरह से फैला हुआ है, और ये भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए, अच्छी बात है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो तो सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, कि देखिए ये मेरे से इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारा मैसेज किया हुआ हूँ और फेसबुक पर भी मैसेज किया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, जब तक अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिल लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे। आप चाहे कहीं से भी आओ, आपके चाहे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, छोटे बड़े कुछ भी सब्सक्राइबर हैं, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं मिल लूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने से पहले अगर तब तक मत आओ जब तक कि आपसे मेरी बात ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आओगे, मैं यहाँ पर नहीं रहा अभी, तो जैसे देख लीजिए मैं अभी काम करवा रहा हूँ, मेरा यहाँ पर काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर मिल गया। अगर मान लीजिए मैं दूसरी जगह चला गया होता, ब्लॉग बनाने में दूसरी जगह चला गया होता, या मैं नहीं रहता, तो आने के बाद आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मिल नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो आपकी सेफ्टी के लिए भी और मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी बता रहा हूँ, कि जब तक अभी मान लीजिए मैं इस तरह से घर पे हूँ, कोई अचानक से आ गया, आपके घर पे भी है कोई अचानक से आ गया, तो आप साउंड हो जाओगे कि भाई कैसे कहाँ से घर का पता चल गया, कैसे मिलने आ गया। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए इंस्टाग्राम पर एटलीस्ट मुझसे बात तो कर लीजिए आप, है कि नहीं? ठीक है, इंस्टाग्राम पर कम से कम आपसे बात तो कर लीजिए। अब ये सोचिए ठंडी में दो रात आप कैसे रहेंगे? विद्यार्थी आया है मुझसे के साथ, किसी किसी और एग्जाम देने आया था, कल मिला हमसे, हाँ स्टेशन पे थे परसों, परसों ये स्टेशन पे थे। अब बताइए ये दिक्कत है, अब ये लोग आइए बहुत अच्छा है, वेलकम है, लेकिन आने से पहले एक बार कंफर्मेशन ले लिया कीजिए। व्हाट्सएप पर जब आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो आप इंतजार कीजिए, फिर से उनको मैसेज कीजिए, उसके बाद जो है पानी का कोई बात नहीं भाई। आप मतलब मुझे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अपने घर की तरह समझो, ठीक है, और छोटे भाई की तरह समझो, आप मेरे से उम्र में बड़े हो या छोटे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। लेकिन इतनी परेशानी लेकर कि मैं कोई फिल्म स्टार थोड़ी ना हूं, मैं कोई स्टार फिल्म स्टार नहीं हूं भैया, आप लोग बोलोगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से परेशानी उठा करके खाना वाना कैसे खा रहे होटल में, ठीक है। अब आप दो रात का सोचिए कहाँ कहाँ खोजे होंगे। सही बात है, रेलवे स्टेशन आ रही, इनको तो कुछ मालूम भी नहीं है, एड्रेस भी मालूम रहे तभी जाकर। एड्रेस आपने क्या बताया कि कैसे यहाँ पर यहाँ तक कैसे आप पहुँचे? यहाँ उसने जो एक लड़का बताया था यहाँ से रिसरा जाना है, तो रिसरा है ये जाके उधर चले गए, तो बहुत दूर। नहीं, रिसरा के विषय में आपको कैसे पता चला कि रिसरा में ही सर है? लड़का था जो कि सर ने बनाए थे वीडियो, मेजर जो कोची का था। अच्छा अच्छा, वो वहाँ से वो धनबाद का लड़का था, आया था उससे मिलने के लिए, तो उससे आपने बात की? उसका वीडियो, अच्छा उसकी वीडियो को आपने देखा, मतलब कोई लड़का मुझसे धनबाद से मिलने के लिए आया था और उसने वीडियो बनाया हुआ था, तो उनकी वीडियो को देख करके ये भाई दिमाग लगा रहे। कोई दिक्कत नहीं, बैठिए आप आराम से, अभी ये मैं देख सकते हो मैं पूरा काम वाम करवा रहा हूँ, अब इसको काम वाम करवाने के बाद पूरा साफ सफाई करने के बाद ही मैं आपके साथ कुछ काम वाम कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी सुबह से ही अभी मैं ना एक गिलास पानी पिया कुछ भी नहीं, आप बैठिए खाना वाना खाइए आराम से, खाना। अरे फिर भी यार आए हैं घर पर तो खाना वाना खा कर, ठीक है ठीक है। अभी देख सकते हो कि मैं डिजिटल बोर्ड का ही काम करवा रहा था, लगवा रहा था सुबह से ही, अंकल भी आए हैं रांची से,
और सुबह कितने बजे आए? 7:30 बजे करीब यहाँ आ गए थे, और 7:30 बजे से ही मैं लगा हुआ हूँ। अभी एक ग्लास पानी भी मैं नहीं डाला। अरे आज उधर क्यों कोने में खड़े हो यार? यहाँ अपना ही समझो, थोड़ा टच करके देखो कैसा चल रहा है। बताओ कैसा चल रहा है, टच करके बताओ। अरे बढ़िया है ये, अब समझा रहे हैं, ठीक होगा, अब समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर फीडबैक भी मिल गया। मैं अच्छा एक बताऊ, मैं वीडियो किस हिसाब ये बस सोचा था कि अक्टूबर के घर पे मैं आया हुआ हूँ तो इनकी पढ़ाई में मदद किए बहुत सारे, इसीलिए बहुत काम मदद किए, इसीलिए हम मदद करने वाले वो सब चीज छोड़ दो। एज ए टीचर है जब मतलब बताने के लिए, मेरे में कमियां बताना, अच्छाइयां तो सभी लोग बोलते हैं, कमी बताओ कि मुझे क्या चीज सुधारना चाहिए, क्योंकि कमी मुझे पता चलेगी तभी मैं उस चीज को सुधार पाऊंगा, मुझे मेरे अंदर में क्या कमी है। सर बहुत अच्छा समझा। अरे अच्छा चीज़ सर, शॉर्ट जब मेरा शॉर्ट वायरल नहीं जा रहा था सर, जब आपने बताया सर तब उसमें जो हम डाले तो फिर उस टाइम से वायरल गया। अच्छा, उधर से जो है सर आप बताए थे उसमें 200 कट डाउन, तो उसमें सर वही 500 के लिए 1000 से जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया। तो समझ लीजिए, जब तक आप लोगों से मेरी बात ना हो जाए इंस्टाग्राम पर, तब तक आप मुझसे मिलने अगर आएंगे तो मिल भी सकता हूँ, नहीं मिल सकता हूँ। अभी जैसे मैं डिजिटल बोर्ड लगवा रहा था तो मिल गया, लगवाने के बाद यहाँ से मैं तुरंत चला जाऊंगा क्योंकि मुझे काम है, आऊंगा रात के 10 बजे, क्योंकि मैं वीडियो रात के टाइम पर ही शूट करता हूँ, दिन के टाइम पर मैं बहुत कम मिलता हूँ, ठीक है ना। रात के 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक मैं जगता हूँ, और इसके बाद 2-3 घंटा सो करके मैं फिर बाहर निकल जाता हूँ। अगर कोई आप लोग आओगे तो बाहर में बहुत कम, दिन के टाइम पर बहुत कम ही मिलूंगा। आज अंकल की वजह से आप मैं आपसे मिल गया, ठीक है, क्योंकि डिजिटल रोड मुझे लगवाना था। चलो ठीक है, तो अच्छा कंफर्म होने के बाद आप लोग, हाँ कंफर्म होने के बाद में आएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी भाई साहब आए हैं, इनका अभी मैं बढ़िया से देखूंगा क्या दिक्कत है क्या नहीं, खाना पीना खाएंगे, क्योंकि 2 दिन से आए बड़े परेशान हुए, खाना पीना खिला करके इन्हें ऐसे तो भेजूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, आप लोग भी अगर मिलना आना चाहते तो मिलिए, डेफिनेटली मैं मिलूंगा, हर किसी से मिलूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी पता होना चाहिए कि कोई आ रहा है, नहीं तो इस तरह से मान लीजिए मैं नहीं रहूंगा, कोई अचानक से आ जाएगा, दिक्कत हो जाता है ना, और आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो जब भी कोई आएगा तो कंफर्म करके आएगा, और नहीं होगा तो एक इवेंट रख लेंगे, है कि नहीं, एकदम सबसे सही इवेंट कहीं रख लेंगे, वहां पर आप लोग आ जाइएगा, है ना। चलिए, आप लोग जैसा हो आप नीचे कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सही रहेगा, इवेंट करना सही रहेगा कि आप लोग इस तरह से घर पे आओगे वो सही रहेगा, कमेंट करके आपको जरूर बताना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।